लोकसभा चुनावों के सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से राजकीय भौतिकी संस्थान बड़ू के दो अलग अलग सभागारों में 38 हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को VVPAT तथा EBM संचालन का प्रथम चुनाव पूर्व अभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 14 सेक्टर मैजिस्ट्रेट, 175 पीठासीन अधिकारी, 175 सहायक पीठासीन अधिकारी तथा 194 सहायक पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर डॉ. ऋचा वर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे EVM संचालन तथा VVPAT की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें ताकि चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि चुनाव एक अहम तथा जिम्मेदारी का कार्य है, इसलिए चुनाव ड्यूटी में तैनात प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करना सुनिश्चित करें। वहीं जिला हमीरपुर के नदौन तथा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत भी चुनावों से संबंधित प्रथम रिहर्सल चुनावी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को रिहर्सल करवाई गई, जिसमें उन्हें EVM और VVPAT के बारे में विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। जहां नदौन में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम की अध्यक्षता में रामलीला मैदान में ये रिहर्सल करवाई गई, जिसमें 648 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी नदौन दिलेराम दिमान भी मौजूद रहे। वहीं सुजानपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के परिसर में उपमंडल अधिकारी शिवदेव सिंह की अध्यक्षता में चुनाव रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें 667 कर्मियों को VVPAT और EVM संचालन के बारे में जानकारी दी गई। हमीरपुर जिला BJP मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर में अंकुश दास शर्मा ने कहा कि आज चुनावों के समय में कांग्रेसी नेता फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमीरपुर की जनता समझदार है जो कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगी। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का काम लटका हुआ था तो देहरा यूनिवर्सिटी का काम भी पूरा नहीं हुआ था, और अब चुनावों के समय में कांग्रेस इनको मुद्दा बनाकर भुनाने में लगी हुई है। अंकुश दास शर्मा ने कांग्रेस नेताओं से पूछा है कि जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तो उसमें मेडिकल कॉलेज और देहरा यूनिवर्सिटी की याद क्यों नहीं आई, लेकिन अब जयराम ठाकुर के CM बनने के बाद विकास को देखकर कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। उन्होंने दावा किया कि इस बार फिर से अनुराग ठाकुर चौथी बार रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे। हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल ने शिक्षा क्षेत्र में अपना अलग मुकाम हासिल किया है और स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। मंजू ठाकुर ने अभिभावकों से आह्वान किया है कि बाल स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने अभिभावकों से अनुरोध किया कि सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाएं, क्योंकि स्कूल में बच्चों का चहुंमुखी विकास करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में स्मार्ट क्लासेस के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बढ़िया लाइब्रेरी की सुविधा स्कूल में उपलब्ध है तो बढ़िया खेल मैदान का भी प्रावधान है।
मंजू ठाकुर ने बताया कि बच्चों के लिए एनसीसी एनएसएस यूनिट के साथ स्काउट गाइड में भी हिस्सा लेने के लिए स्कूल में सुविधा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध में चैत्र मास मेलों में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा हुआ है। बाबा के दरबार में अब तक मेलों के दौरान 3,61,00,000 रुपए के करीब चढ़ावा श्रद्धालुओं ने चढ़ाया है। तो इसके अलावा 170 ग्राम सोना। मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल के अनुसार चैत्र मास मेलों के दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ावे में वृद्धि हुई है और इससे बाबा के खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी हुई है। ओपी लखनपाल ने बताया कि इस बार मेलों के दौरान 3,68,00,000 के करीब चढ़ावा हुआ है और अभी मेले 13 अप्रैल तक जारी हैं। उन्होंने बताया कि मेलों में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के अलावा बाहरी देशों से भी 24 घंटे श्रद्धालु बाबा के दरबार में आकर माथा टेक रहे हैं। गौरतलब है कि बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध में मान्यता है कि सच्चे मन से कुछ भी मांगने पर बाबा कृपा करते हैं और इसी के चलते साल भर बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो चैत्र मास मेलों में तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दरबार में नतमस्तक होते हैं।